नमस्कार दोस्तों, यस आई कैन इस चैनल में आपका स्वागत है। सीए से संबंधित कुछ दो चार वीडियोस मैंने इसमें डाले थे मेरे इस चैनल में, और उनको जो प्रतिसाद मिला उसके बाद मुझे ये समझ आया कि जो बच्चे आज टेंथ में हैं या जो इलेवेंथ ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स दे चुके हैं, उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी है सीए के बारे में। आज हमारे बीच महक आहूजा, जो कि सीए की स्टूडेंट हैं, सीए इंटरमीडिएट पास कर चुकी हैं और कुछ एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आना है, उस हमारे बीच आज उपस्थित हैं। नमस्कार महक आहूजा, आपका यस आई कैन सुनील हिरानी इस चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। आपने ट्वेल्थ कब किया था? सर, मैंने 2019 में अपने ट्वेल्थ के एग्जामिनेशंस दिए थे। ट्वेल्थ में आपका परसेंटेज क्या था और आपका सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा परसेंटेज 95% था। ओह, यू आर इंटेलिजेंट। आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर एट दैट मोमेंट। ओह, देन उसके बाद फिर मैं सीए। आपका सब्जेक्ट क्या कॉमर्स रहा 11th 12th में? यस सर, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी। लेकिन आपने सीए फाउंडेशन किया तो उसमें मैथमेटिक्स का एक पेपर होता है, तो क्या आपको परेशानी नहीं गई? थोड़ी बहुत परेशानियां थी, लेकिन फिर अगर हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ओके, मैं एक प्रश्न आपसे ये करना चाहूँगा कि जो बच्चा आज 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम्स देकर के रिजल्ट का वेट कर रहा है, अगर उसे आगे चल के 12th के बाद सीए करना है तो उसके बारे में आप क्या गाइड करेंगी? जो बच्चे अभी एग्ज़ाम्स के बाद रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अगर वो सीए करना चाहते हैं तो बेसिकली कॉमर्स में शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन आज एक साइंस का स्टूडेंट भी उसी तरह कॉमर्स सीए कर सकता है। सीए करने के लिए साइंस और कॉमर्स मैटर नहीं करता है, बेसिकली हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें मैटर करती है। जो सब्जेक्ट्स कॉमर्स में हैं वो कहीं ना कहीं फाउंडेशन में काम आते हैं, लेकिन साइंस में जैसा कि मैथ्स वगैरह होता है तो वो भी एक सीए करने के लिए हेल्प करता है। और सीए के फाउंडेशन एग्जाम में मैथ्स का एक सब्जेक्ट होता है जो बच्चों को थोड़ा सा टफ जाता है, तो वो साइंस से बहुत इजीली उन सब चीज़ों में स्कोर कर सकते हैं। कोई बच्चा 10th पास करके अगर कॉमर्स ले लेता है तो क्या एडिशनल मैथ्स सब्जेक्ट लेना उसके लिए फायदेमंद रहेगा अगर उसे आगे सीए करना है तो? हाँ ज़रूर, क्योंकि फाउंडेशन में बेसिकली मैथ्स होता है जहाँ बच्चे थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उस बेसिस पे वो एक फेलियर का मार्क हो सकता है, तो अगर उनके पॉसिबल हो तो बच्चों को एडिशनल मैथ जरूर लेना चाहिए। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि 12th के बाद आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको सीए करना चाहिए? सीए एक प्रेस्टीजियस फाइनेंशियल रिमार्क और ग्रोथ, ये सब चीज़ों को लेके सीए एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्री है। उसके बाद हम लोग का खुद का एक वो होता है, ड्रीम होता है कि हमें ये करना है, तो बेसिकली मेरा ड्रीम था कि मैं सीए बनूं और मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स एज अ सीए जुड़े, तो मैं सीए करना चाहती थी। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट हूँ, दो मैंने मैथ्स एडिशनल नहीं लिया था, बट स्टिल जब मैंने फाउंडेशन का एग्जाम दिया तो वो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर चुकी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैथ्स की तैयारी, चूंकि आपका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था 11th 12th में, मैथ्स पेपर को आपने तैयार कैसे किया और उसमें आपके कितने मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100? मैथ्स में मेरा ज़्यादा स्कोर तो नहीं रहा था, मैं बाउंड्री पास थी, बट क्योंकि उस टाइम पे कोचिंग इतनी अच्छी नहीं थी और मैं अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम पे, तो मैंने एक नॉर्मल कोचिंग सेंटर से अपनी फाउंडेशन की क्लासेस की थी और मैंने बाकी अपना सेल्फ अच्छा दिया था, तो फिर मेरा एग्जाम क्लियर। मैं आपको उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने आज 12th पास कर लिया है और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन्होंने अगर कॉमर्स से 11th 12th किया है और मैथ्स का एडिशनल सब्जेक्ट उनका नहीं रहा है, लेकिन अगर उसे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में उसकी मास्टरी है, अच्छे से पढ़ाई की है, और मैथ्स में अगर वो थोड़ी सी भी एक कोचिंग लगा करके लोकल लेवल की, कोई एमएससी स्टूडेंट भी अगर आपको पढ़ा देगा मैथ्स, कोई बीएससी का स्टूडेंट भी अगर आपको मैथ्स पढ़ा देगा, तो आप मैथ्स में एक एवरेज मार्क्स भी अगर आपके आ गए तो भी आप सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, और महक आहूजा आपके सामने उसका एक एग्जाम्पल है सीए फाउंडेशन करने के बाद। लेकिन मुझे कई क्वेश्चंस सीए स्टूडेंट्स के ऐसे आते हैं कि क्या सीए फाउंडेशन के लिए कोचिंग जरूरी है, बिना कोचिंग के क्या मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसे कई प्रश्न आते हैं, इसके बारे में आप क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ ज़रूर, मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ कि सीए
फाउंडेशन बिना कोचिंग के भी किया जा सकता है अगर हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट हो तो। अगर हमारे हार्डवर्क अच्छा हो तो हम 11th 12th की पढ़ाई पे कंसंट्रेट करके भी फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि 11th 12th में हमें मैथ्स होता है, एडिशनल अगर हम ले रहे हैं तो भी होगा, और जो बाकी सब सब्जेक्ट्स होते हैं 11th 12th में जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, लॉ हो गया, वो सब चीज़ें फाउंडेशन में हेल्प करती है। तो एक स्टूडेंट जो अफर्ड नहीं कर सकता कोचिंग सेंटर्स, अगर वो अपने सेल्फ पे कॉन्फिडेंट है कि मैं कर लूंगा और उसका हार्डवर्क अच्छा है तो वो जरूर क्लियर कर सकता है। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर 11th 12th कॉमर्स सेक्शन से ले लें, कॉमर्स फैकल्टी रहे और एडिशनल मैथ सब्जेक्ट वो एक मैथमेटिक्स का ले ले, तो वो बिना किसी कोचिंग के CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता है, बशर्ते वो 11वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई बहुत अच्छे से करे, CA के फाउंडेशन के एग्जाम्स को ध्यान में रख के करे। अब मेरा प्रश्न ये रहेगा कि CA फाउंडेशन में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पेपर होते हैं? CA फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में एक मैथ्स का एग्जाम होता है, सेकेंड लॉ, थर्ड इकोनॉमिक्स होता है और फोर्थ कॉस्ट होता है। सो बेसिकली इकोनॉमिक्स एंड लॉ 12th में पढ़ाया जाता है, तो अगर बच्चा वहाँ ध्यान दे देता है तो उसके लिए इजी होता है। मैथ्स अगर एडिशनल लिया होता है तो वो भी इजी पढ़ता है, और फिर बिना कोचिंग के एक स्टूडेंट बहुत इजीली फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर कर सकता है। अब मैं यहाँ पर आज के इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा और हम फिर एक वीडियो लेकर के आएंगे कि फाउंडेशन क्लियर करने के बाद हमें क्या करना चाहिए। फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन की फीस लगभग कितनी होती है? 1000 के अप्रॉक्स होती है। तो जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, CA एक बहुत ही कम खर्चे में किए जाने वाला कोर्स है, हमें किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में CA फाउंडेशन के स्टूडेंट के नाते आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको उन चारों सब्जेक्ट्स का स्टडी मटेरियल आता है और आप सेल्फ स्टडी करके भी CA फाउंडेशन पास कर सकते हैं। आपको प्रत्येक पेपर में 40 नंबर पासिंग मार्क्स है और चारों पेपर में मिला करके आपके 50% या उससे अधिक बनना चाहिए अगर आपको पास होते हैं। CA फाउंडेशन करने के बाद इंटरमीडिएट CA होता है और उसके बाद फाइनल होता है, इसकी चर्चा हम हमारे अगले इंटरव्यू में करेंगे महक आहूजा के साथ। आज बात केवल इतनी ही।